हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वारी और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली सेल्फ थ्रेडिंग आईब्रो कैसे करनी है, फुल डिटेल वीडियो बताने वाली पूरी बारीकी के साथ। तो वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल। वीडियो कर दीजिए अभी से लाइक, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। पंखे की आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में, बट इग्नोर कीजिएगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और पंखा बंद करके मैंने वीडियो बनाया तो मेरा वाट लग जाएगा एंड थोड़ा बहुत साउंड आ रहा होगा, इग्नोर कर दीजिएगा। पंखा बंद करूँगी तो पसीने भी आएंगे जिसकी वजह से मैं आईब्रो अच्छे से नहीं बना पाऊँगी, तो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, वीडियो का एंड तक देखिएगा। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैंने दोबारा बोल दिया एक बार, बट कोई बात नहीं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं ले रही हूँ यहाँ पे डर्मिकूल का पाउडर थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग पाउडर लगाते हैं तो हमारी आईब्रो का जो हेयर होता है वो ईजिली निकलने लग जाता है और चिपकता नहीं है, तो इसलिए हम पाउडर लगा देंगे यहाँ पे। पहले पाउडर लगा दिया मैंने अच्छे से, अब हम लोग एक्स्ट्रा हेयर को करेंगे कट। इस तरीके से कर लीजिएगा ताकि जो भी एक्स्ट्रा हेयर है वो ऊपर को आ जाए और कट करने में इजी रहे। तो इस तरीके से करके आपको हेयर को कट कर देना है। तो ये मैंने हेयर को कट कर दिया, अब आईब्रो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सेल्फ आईब्रो करोगे तो इस तरीके से धागा तो हम लोग पकड़ नहीं सकते, तो हमको क्या करना है, हमको करना है इस तरीके से अपने धागे को इस तरीके से पूरे माथे के बराबर में इस तरीके से पकड़ना और यहाँ से धागे को तोड़ देंगे और इस तरीके से यहाँ पे गांठ लगा लेंगे और अपना आईब्रो आप खुद से बना सकते हो ईजिली घर पे। तो इस तरीके से मैंने गांठ लगा दिया यहाँ पे। अब इस तरीके से 5 बार आपको लपेटना है हेयर को, दोनों हाथों को नीचे की तरफ करेंगे। पहले आपको धागा अच्छे से चलाना आना चाहिए थ्रेडिंग करने के लिए। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से हेयर को लेना है ऊपर में। जब हम लोग आईब्रो बनाते हैं तो ऊपर के हेयर को बहुत ही कम पकड़ना होता है, बस एक अच्छी सी शेप देनी होती है, ठीक है, नहीं तो आपका आईब्रो जो है वो नीचे की तरफ झुक जाएगा और शेप अच्छी नहीं आएगी। इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा हेयर लेके रिमूव करना है, एक अच्छी सी लाइन देनी है। इसी तरीके से आपको देखिए मैंने धागा कैसे घुमाया, फ्रंट में मैंने ऐसे रखा और सारे हेयर को धीरे धीरे रिमूव किया है। ओके, अब बैक में आते आते इस तरीके से लेके जाएंगे, सॉरी ये तो खुल गया, फिर से 5 बार इस तरीके से लपेट लेंगे और यहाँ पे आपको इस तरीके से धागे को रखना है, ध्यान से देखिए। तो अपर डायरेक्शन का आप अच्छे से शेप इस तरीके से दे सकते हो ऊपर की तरफ से, बिल्कुल लाइट हेयर निकालने, बिल्कुल भी ज़्यादा हेयर नहीं निकालना है, नहीं तो आपकी आईब्रो जो है वो झुक जाएगी नीचे को। फोरहेड करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो ऊपर का शेप हमको मिल गया, अब हम लोग नीचे की तरफ का बनाएंगे। नीचे की तरफ बनाने के लिए भी आपको फ्रंट में इस तरीके से लेके जाना है और धीरे धीरे हेयर को रिमूव करना है एक अच्छी सी लाइन देते हुए। इस तरीके से आपको हेयर को पकड़ना है और धीरे धीरे रिमूव करना है। काफ़ी टाइम हो गया था मुझे हेयर बनाए हुए, ये आई थिंक 6 मंथ का ग्रोथ है, 6 मंथ से मैंने आईब्रो नहीं बनवाई है, कितनी ज़्यादा भाग दौड़ चल रही है मेरी लाइफ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है, बट लाइफ तो ऐसी ही चलती है। इसी तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा हेयर लेके निकालते जाना है
और एक अच्छी सी शेप भी लेनी है, बहुत ज़्यादा हेयर को नहीं निकालना है, उससे क्या होगा आईब्रो बहुत पतला हो जाएगा। जैसे मेरी जैसे आईब्रो है, लाइट हेयर है, तब तो आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा हेयर ना निकालना पड़े, बस एक शेप देने की कोशिश कीजिएगा। तो इस तरीके से मैं आईब्रो के सारे हेयर को एक अच्छी शेप देते हुए रिमूव करूँगी। तो ये देखिए पूरी परफेक्ट शेप आ गई है आईब्रो की, जैसे कि मुझे चाहिए थी। अब इसको थोड़ा थोड़ा सा और क्लीन करेंगे ताकि अच्छे से शेप जो है वो दिखाई दे। यहाँ पे मैंने पूरा क्लीन कर लिया है, आई थिंक आपको भी अच्छे से दिख रहा होगा। और ये आईब्रो का शेप पूरा अच्छे से बन चुका है। अब दूसरी साइड की सेम इसी तरीके से हम लोग आईब्रो को बनाएंगे। दूसरी साइड बनाने के लिए हम लोग दूसरी साइड के हेयर को इस तरीके से धागे को बड़ा करेंगे और क्लीन करेंगे। बहुत ईजिली आप बना सकते हो खुद से, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। कोई भी चीज़ बिना प्रैक्टिस के तो होती नहीं है, तो हमको थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। इधर से देखते हुए बिल्कुल बराबर में नापते हुए आपको एक्स्ट्रा हेयर को निकालना है। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी, बेहतर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे क्योंकि आप खुद से बना रहे हो तो एक्स्ट्रा हेयर निकल सकता है, इसलिए ध्यान दीजिए कि बिल्कुल आराम आराम से आपको थ्रेडिंग करना है। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही करना है आपको, बिल्कुल भी हल्के हल्के हाथों से हेयर को लेना है और बिल्कुल भी हेयर को ज़्यादा नहीं लेना है। और जो हमारी धागे की कैंची है जिसमें हेयर को पकड़ना है वो हमेशा बड़ा रखना है इस तरीके से। और यहाँ पे हमने इस तरीके से बहुत अच्छे से अपनी थ्रेडिंग खुद से कर ली है। तो ये देखिए, तो आपको कैसा लगा आज का वीडियो, आई होप कि पसंद आया। और थ्रेडिंग कैसी लग रही है मेरी ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे आके देखिए, जहाँ भी आपको एक्स्ट्रा हेयर लगे आप उसको कट कर लीजिएगा। तो मैंने इस तरीके से खुद से अपनी आईब्रो बना दी है, आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इस तरीके से लाइट हेयर है तो बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको हेयर को निकालना है। यहाँ पे एक दो हेयर एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो इसको भी रिमूव कर लेते हैं। ओह
तरीके से हेयर को पकड़ना है। तो जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लग रहा था मुझे वो मैंने यहाँ पे क्लीन कर लिया है। ऊपर में थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा हमको, तो यहाँ पे इस तरीके से क्लीन कर लेंगे, अच्छी सी शेप दे देंगे आईब्रो को। इसके भी मैंने पंखा चला रखा है तो मुझे इतनी पसीने होगी, सोचिए मैं पंखा नहीं चलाई होती तो मुझे कितना गर्मी होता। थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया तो गाइस, माइक भी नहीं है यहाँ पे, मैं अभी आई हुई हूँ, जैसे ही मैं गांव पे चली जाती हूँ तो फिर माइक ले लूँगी और आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी आईब्रो सॉरी साउंड में। तो बहुत प्यारी बनी है आईब्रो, अब इसको आप फील कर सकते हो, मेकअप करने के लिए रेडी है आपकी आईब्रो। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लिया होगा अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और कैसी लगी आपको आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। सेकंड चैनल पर मेरी डेली अपडेट ब्लॉग वीडियोस जाती रहती हैं तो आप ज़रूर जाइएगा, प्रीत तिवारी 2 सेकंड चैनल का नेम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।